ही बनाऊंगा, खुद खाऊंगा मैं, ना बाहर का खाऊंगा ना मैं तेरे हाथ का खाऊंगा। अरे सुबह सुबह क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहे हो? भूख लग रही थी मेरे को। अरे तो मेरे को उठा देते यार, मैं बना देती हैं, मेरे को बोल देते। अरे भूख लग रही थी, तेरे को क्या बोलता मैं यार, हद हो गई। मेरे को क्या बोलते, वहीं तो बैठी हुई थी मैं, मेरे को तुमने कुछ बोला भी नहीं और मेरे को लगा बाहर बैठे हुए हो। मेरे को तेरे हाथ का नहीं खाना था। फिर मेरे को हाथ धोने पड़ेंगे। तो मैं हाथ धो के मैं बना देती हूँ खाना आपके लिए। यार मेरे को तेरे हाथ का ही तो नहीं खाना। मैंने हमारी तो कोई बहस भी नहीं हुई, कोई लड़ाई भी नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ मेरे को तेरे हाथ का नहीं खाना बस। कल मैंने तो खाना बनाते हुए देखा, मेरा तेरे हाथ का खाना खाने से दिल ही उठ गया। मैं नहीं खाऊंगा तेरे हाथ का। नहीं मैंने क्या करा था? कल तुमने जब खाना बनाया था ना, हाथ भी धोए थे यार। क्या बात, ये क्या बात करते हैं यार? मैंने कब हाथ नहीं धोए है? मेरे को ऐसे ही लगा कि तूने हाथ लगा। कैसे यार, मैं हमेशा हाथ धो के खाना बनाती हूँ। एक एक से पहले मेरे तो मुझे बना दो, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज मैं यार देख, अभी वही मैं मैंने बोला ना कि कल तूने हाथ नहीं धोए, अभी धो के बना। क्या बोला कि भी मैं बनाती हूँ, अब तो हाथ डालने लगी ना। नहीं डाल रही है, ऐसा यही होता है यार। यार मैंने अभी डाला तो नहीं ना हाथ, मैंने आपको सिर्फ हटा रही हूँ। हटा के सीधा घुसी ना उसके अंदर। अब ये हाथ कैसे है, कैसे नहीं है, क्या अभी अभी धोए हुए खाना खाने के लिए तू हाथ धो क्यों रही है? सफाई भी नहीं रखती यार, ये चिमटा कब लेगी, कभी चिमटे से पकड़ के गेस्ट में खा देगी, कभी चिमटे से पकड़ के झूठे बर्तन खा कर रख देती है। खाना बनाते बनाते करती है ना, और उसी खाओ से चिमटे से रोटी वो खाती है। मैंने डस्टबिन से, मैंने देखा तेरे को। कुछ भी चिमटे से कैसे उठाएगी कोई चीज? कैसे मैंने देखा है, रोटी के अलावा चिमटे से कुछ उठता ही नहीं है। हटो यार। अच्छा मैंने हाथ धो दिए ना, अब मेरे को यार बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। इतने सालों से मेरे को बिल्कुल मैंने कभी आज तक रोटी बनवाई आपसे? आप मुझे बताओ ना, चाय बनने की बात अलग। हाथ लगा रही है फिर मेरे को देख ले, फिर मेरे को हाथ क्या लगा रही है? अभी हाथ धोए तो मेरे को हाथ लगा रही है, फिर तेरे हाथ गंदे हो गए, अब फिर तू उससे करेगी क्या? ऐसा होता ही है यार लेडीज के साथ। इसमें क्या गंदा? मेरे अच्छा मेरे ये साफ है कोई कपड़े, तूने उसको हाथ लगा लिया बस, इसीलिए मैं हाथ लगा रहा हूँ। तो मैं किसी को टच नहीं करूंगा, बस मैं सिर्फ ये बनाऊंगा ही बनाऊंगा। यार तुम बात ना समझ नहीं रहे हो यार, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है, सच्ची मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तुम मेरे को बना रहे हो? पीछे छोड़ दो, मैं इसको टच करेगी मेरे गंदा हो जाएगा, धोना पड़ेगा। नहीं इसको टच क्या करूंगी, मेरे हाथ धो लिए हैं साबुन से, धोए आपके सामने। आपको कल क्या होगा? कल क्या होगा? क्या कल शाम को देखो पसीने आ रहे थे हैं, और तूने इसी बेलन से रोटी बनाते बनाते ऐसे ऐसे करके खुजली कर ली, और वही पसीने वाला बेलन से तूने फिर रोटी बना ली। मैंने नहीं करा ऐसा। हाथ मत लगा इसको यार प्लीज। गजब बेइज्जती है, मुझे इरिटेट कर रहे हो। अब मेरे को बना दो प्लीज। तू क्यों बनाएगी यार? मैं क्यों नहीं खुद बनाऊंगा, खुद खाऊंगा मैं, ना बाहर का खाऊंगा ना मैं तेरे हाथ का खाऊंगा। अब देख ले बाल खुले हुए हैं, बाल इसके अंदर गिर जाते हैं, रोज चार चार पांच पांच बाल आते हैं मेरे उसके अंदर रोटियों के अंदर। मैं बाल खा खा के हो गए हो, बाल बाल ये मेरे गले में से बाल निकले चार पांच ऐसे करके, वो बाहर ऐसे करके निकले चार पांच बाल, पता है तेरे को? मैंने नाई से कटवाए हैं लंबे लंबे बाल, ऐसे निकल गए बाल मेरे जो तुमने खाए, ऐसे ही निकल गए। ऐसी बातें करते हो, पेट में बाल उग रहे हैं लंबे लंबे बाल। कैसी बातें कर रहे हो? रोज के अगर 10-15 बंदा बाल खाएगा तो हो गए। बाल बांध के खाना बनाना चाहिए। अच्छा ठीक है, बाल बांध के मैं चुन्नी लगा के सर पे खाना बना लूं? नहीं यार मैं नहीं, चुन्नी ओढ़ के बना लेती हूं तुम्हारे लिए खाना। मैं ठीक रहना चाहता हूं, मैं अपना बीमार नहीं। अच्छा मैं बाल बांध के चुन्नी ओढ़ के सर पे बना लूं खाना, तब तो खा लोगे? नहीं नहीं मैं मेरे को तेरे हाथ का नहीं खाना यार।
ये तो मुझे देख, मैं तुझसे लड़ाई लड़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे को तेरे और मैं भी लड़ाई नहीं करना चाहती। बहुत अच्छा मूड था मेरा, लड़ाई करने के मूड में नहीं थी मैं, आराम से बैठ के मैंने कहा इतनी देर हो गई कहाँ गए। बंदा ना काम सीख के नहीं आता, हर एक बंदे को सीखना पड़ता है, मैं सीख जाऊंगा धीरे धीरे बनाना। तो यही काम सीखना रह गया तुम्हारे लिए। हम इसका पति है, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए, बात खत्म। बंदा खुद खाने के लिए क्या करेगा, बनाएगा यार। प्लीज यार लो, चलो बाल बाल दे, मैंने बस लाओ बाल 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 लो, अब तो हट जाओ। अरे यार नहीं, मैंने ये ओढ़ लिया बस, अब तो ठीक है, अब तो नहीं आएंगे ना बाल। तोलिया, अरे राम तोलिया ओढ़ के वो तोलिया के हाथ लगा रही है। फिर किचन का कपड़ा भी देखा है, उसी कपड़े से किचन साफ कर दिया, उसने फिर रोटियां बेल देगी। उससे रोटी कैसे बेलूंगी यार, बेलती है, मैंने देखा है यार देखो। बोला कभी सफाई से नहीं बनाती, रोज पराठे बना बना के मेरी हालत खराब हो रखी है, तब भी आपको कभी नहीं लगता सफाई से? यार मेरे खा खा के हालत खराब हो रखी है तेरी, बना बना के हो रही है, क्योंकि उसमें हाइजीनिक नहीं रहता, वो अनहाइजीनिक होता तेरा खाना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है यार। आप पता है एक औरत को ना इस तरीके से, एक औरत के दिल पे क्या बीतती है आपको पता है? कि सबसे ज्यादा उसको ये बुरा लगता है कि आप इस तरीके से बोल रहे हो कि मैं गंदा खाना आपको खिलाती हूँ। कोई होटल वाले के लिए बोले, कोई किसी के लिए बोले ना, तो लगता है कि हाँ भाई साफ सुथरा नहीं करते। मैं तो अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ यार, तो वो नहीं कर रहे हो यार। होटल वाले ना पूरा दिन खाना बनाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि यार रोज का ही तो काम है, इसलिए तो औरतों को भी नहीं पता चलता कि रोज का ही तो काम है, ऐसा मर्जी वो करके। यार आप हमेशा ऐसे ही काम करते हो, आप हमेशा टोन कसने वाला काम करते हो। समर्थ को उस दिन पोटी आई थी ना, और तू ऐसी घुस गई उसकी पोटी धोके, फिर तूने बिना साबुन धोए? अच्छा मेरी आदत नहीं है कभी भी। तू साबुन साथ धोए थे? बिल्कुल नहीं। किसने रखा है वहां पे हैंड वॉश? क्यों रखा हुआ है वहां पे? नहीं नहीं, इसलिए रखा हुआ है कि हाथ ही धोए? नहीं धोए थे तूने? मैंने कभी आज तक ना कभी भी, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ मैंने ऐसे खाना खा खा के तो मेरी हालत खराब हो गई यार, कोई तरीका होता है? पता नहीं यार, आज तुम मेरे सामने बोल रहे हो, कल को तुम किसी और के सामने ऐसी बातें बोलो, कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में? किसी को नहीं बोलूंगा, मैं ही बनाता हूं। तो क्यों बनाना है? मेरे को सबसे बुरा लग रहा है ये चीज, तुम्हें पता है कितना हर्ट कर रही है मुझे। कंट्रोल कंट्रोल उदय, मेरी बुराई कर रहे हो, उससे ज्यादा मुझे ये बुरा लग रहा है कि तुम खाना बना रहे हो, कोई तरीका है? यार मैं अपने लिए तो बना रहा हूं, उसमें क्या हो गया? अगर मैंने थोड़ी गोभी तलाश ली, थोड़ा पराठा बना लिया, तो मैंने कोई फर्क थोड़ी ना पड़ गया, क्या हो जाएगा उससे? फर्क इसलिए पड़ गया क्योंकि तुम ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, तुम ये साबित करना चाह रहे हो कि मैं ढंग से काम नहीं करती, इसलिए तुम्हें करना पड़ा। मैं तुझे बता रहा हूं कि तेरे अनहाइजीनिक तरीके से खाना बनाने से मेरे को दिक्कत हो रही है। अब तो देखिए स्लेब के हाथ रख के खड़ी हो गई है, ये ही तो आटे में डाल देती है। यार तू स्लेब सा, डब्बे इतने गंदे पड़े रहते हैं, डब्बों को हाथ लगाती है, कभी कुछ करती है कभी कुछ करती है। यार बंदा हाथ से कुछ ना कुछ नमक मिर्ची कुछ डालेगा उसके अंदर, और ऐसा थोड़े मेरा हाथ साफ है, और उसमें क्या जम्स चिपके के हमारी किचन के अंदर वो चल रही है छिपकलियां। बाकी सारी बातें छोड़, अभी तो आई खाना बनाने के लिए, और तू तैयार हो गई नहा के घुसते है किचन के अंदर। मैं पहले नहाया हूँ, उसके बाद मैंने खाना बनाया। तो लगने का कहीं से भी, आप ही तो मेरे सामने यही ऐसे बैठे हुए थे, ठीक है ना आया हूँ मैं नहीं। तो यार तुम प्लीज यार, तो ना के बनाना चाहिए ना खाना, हमेशा खाना मतलब शुद्धता, ऐसे नहीं बनाते कभी भी खाना। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। यार आज तक इतने सालों में मैंने तो नहीं देखा इस घर में कोई नहाया हो सुबह उठ के सबसे पहले, या मैं कभी नहाई हूँ तब से आपने खाना नहीं खाया कि पहले नहा के किचन में घुसने, ऐसा तो कोई रूल नहीं था। अब भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मेरी नहीं है मेरे को कौन दिखाएगा फिर डॉक्टर के पास? मैं नहीं, मैं सच में बीमार पड़ गया हूँ यार, मेरे को गैस बन रही है बहुत ज्यादा, पेट में मोटा हुआ है और पेट में दर्द हो रहा है मेरे को यार। बना लिया ना है ना, एक पराठा और बनाने में दो ही खाता हूँ बस, मैं बना लूंगी ना। फिर तुम मेरे को फिर हाथ लगा दिए यार, देख ले अगर हम
करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। तू मत कर प्लीज। तू इतना वो क्यों कर रही है? मैं अपने तो लड़ रहा हूँ। मैं तुझे कुछ बोल रहा हूँ, मेरे को ये बोला कि मैंने ऑब्जर्व किया तेरे अंदर ये सब चीजें, इसलिए मैं तो मेरे को एक बार आराम से ये बोल सकते थे कि तू ऐसे कर ले, तो मेरे को ऐसा लगा। वैसे मैंने कभी ऐसा नहीं करा कि मैंने हाथ धो के ना बनाया हो, कभी तुम क्या कभी पोटी का नाम ले रहे हो, कभी किसी का। मैंने तो ये सब चीजें कभी किचन के अंदर नहीं करी है। हाँ ये है कि डब्बे से कभी निकाला कुछ डाल दिया, तुम उसको भी कह रहे हो कि डब्बे पे हाथ नहीं लगाना। कभी कपड़े के ऊपर नाम लगा रहे हो, कर क्या रहे हो? मैं इधर खुजली हुई, मैंने ऐसे खुजाया, लेकिन अब मैं यह मौका किसको टच नहीं करूंगा, बस उल्टे हाथ से करता रहूंगा। हां उल्टे हाथ से पहन लोगे तो धोऊंगा ना हाथ फिर? यार ऐसे बंदे तो बार बार दो दो मिनट में हाथ ही धोता है। बिल्कुल, जब भी आप किचन में खाना बना रहे हो अगर आपका किसी को हाथ टच हो गया तो दो बार हाथ धो फिर खाना। कहां से सीख रहे हो तुम? ये कौन सिखा रहा है तुम्हें ये फालतू की बातें? यार मेरे को मैं तो मेरे को बीमार बंदा हो जाता फिर। बीमार नहीं हो जाए, तुम भड़का रहे हो, कोई भड़का रहा है तुम्हें। लेकिन अच्छा पराठा बना है। तो मैं नहीं बनाती। नहीं। प्लीज। मैं गुस्सा आ रहा है। प्लीज आप क्यों मना रहे हो? क्यों गुस्सा आ रहा है तेरे को? मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। बन गया ना देख। बस। अच्छा नहीं लग रहा। तो किसी को नहीं पता चलेगा कि मैं ये पराठे मैं ही बना रहा हूँ। किसी को पता चलने या ना चलने की बात ही नहीं है। मुझे यही है ना कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का ही तो वो है। चाय तू पहले चाय दे ले, मैंने बना दिया। देखो लोगों का ही तो है ना, मैं बना रहा हूँ, देखो तो अच्छी बात है। लोगों का नहीं है, मेरे को आपका है कि आपकी इतनी नफरत क्यों होती जा रही है मेरी चीजों से। इसका मतलब तो मेरी इस घर में कोई जरूरत ही नहीं है, मैं रहूं या ना रहूं, मैं मर जाऊं, मेरे को कुछ हो जाए, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा? तुम्हें खाना बनाना आई क्या है? कपड़े ऑटोमेटिक मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन में कपड़े धुल जाएंगे। तुम्हें मेरी जरूरत क्या है? किस काम के लिए जरूरत है मेरी? फिर तो मेरी जरूरत ही नहीं है इस घर में, जब मैं खाना भी बनाने में वो हो गई कि मैं खाना भी ढंग से नहीं बना सकती। जरूरत क्या है मेरी? तो मुझे कोई काम करने भी नहीं देती यार। अब देख ले क्या क्या चीज़ बना रही हूँ। हाथ धोए के? हाथ अभी धोए थे। तूने फिर मेरे को हाथ लगा लगा के फिर कर रही है, देख ले। अब तो धुल गए, अब बना दो। देख से साबुन से नहीं धोए। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। तू रिकेट हो रही है क्या? देख ले ये क्या है? सारा बिलन गंदा कर दिया। बिलन गंदा कर दिया ना मेरा। अब इसको बेलन को धो। बेलन आज तुम खा रहे हैं आज ना मेरी किचन में, तुम ना बनाओगे ना खाओगे। बड़े हाथ धोने के शौक चढ़ रहे ना तुम्हें। इसको धोना पड़ेगा ना। तुम्हें मारा मैंने, लगाया टच किया। तूने अपने हाथ तो टच करे। मेरा हाथ तो धुला हुआ था ना, यहाँ से टच किया। धोने के बाद भी धुले हुए नहीं होते यार। बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। सच बता रही हूँ, यहाँ से चलो, यहाँ से चलो, किचन से चलो। मैं क्यों जाऊंगा? क्यों? किचन में मेरी भी है ना। नहीं नहीं, तुम्हें मंगाना है ना, तुम बाहर से मंगा के खाओगे। मेरी किचन में मैं ही खाना बनाऊंगी, तुम नहीं बनाओगे। बस मैं भूखा रहूंगा लेकिन मैं तेरे हाथ का खाना मत खाओगे। अपने गंदे से पजामे से मेरी स्लेट को टच कर रहे हो। मैं ये तो नहीं कर रही, मेरे तो धुले हुए कपड़े गंदे यही रात को पहन के सोए थे। पीछे हट जाओ, तुम यही पहन के सोए थे ना। निकलो यहाँ से, चाय मार दूंगी मुंह पे। कितना गुस्सा आ रहा है तेरे को? बुराई करे जा रहे हो इतनी देर से। क्या कर रही है? मैं तो बना लूंगा, हट जाओ यहाँ से। मैं तेरे हाथ का नहीं खाऊंगा, मैं मर जाऊंगा तेरे हाथ का नहीं खाऊंगा। देख ले जबरदस्ती कर रही है, जबरदस्ती कर रही है। नहीं प्लीज यार, दिखा रहे ज्यादा मत खाओ, नहीं खाना तो ये खाना अपना एक सूखा पड़ा है, मेरे को तो खाने दो। मैं तो प्रैंक नहीं है, ठीक है?
आगे चकले में प्याज लगा दिया, आटे में प्याज लगा दिया, उसमें प्याज लगा दिया, ये क्या बात हुई? चाय पिएगी, चाय बना ली चाय तो तुम ये क्या तरीका था? मैं देख रहा तेरा रिएक्शन कैसा होता है अगर मैं खाना बनाऊंगा तो, लेकिन मैं तो बड़ा ही बना के खाऊंगा, तेरा नहीं खाऊंगा। तूने बिल्कुल लगा लगा के तुम बना ले।